हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और मैं अभी लॉफ्ट में आया हूं और यहां पर आप देखें, यहां पर अभी कुछ कबूतर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। ये देखिए मेरा जो लखा है वाइट वाला, ये सबसे पहले आपको नज़र आएगा और यहां पर कुछ कबूतर आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर देखें, और ये मेरा जो डव है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर आज लॉफ्ट को मैंने साफ़ किया है तो आपको थोड़ा लॉफ्ट आज साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये फिर से गंदा कर देते हैं। आप देख सकते हैं लॉफ्ट। और यहाँ पर अभी मैंने इन सबको दाना खाने के बाद बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मच्छर अगर काट लेते हैं तो उन्हें पॉक्स हो जाता है। इसलिए मैं ये वाला जो मेरा पेटी है ये वाला मैं बंद कर देता हूँ और ये वाला इसे भी मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसमें भी छोटे बच्चे हैं, जैसे ये वाला है और यहाँ पर एक ये वाला जो सिराजी का बच्चा है। तो इन दोनों के कारण अभी मैं ये जो पेटी है इसे बंद कर देता हूँ। इससे पहले जो ये वाला मेरा पेयर था, जो ये वाला एक पेयर है और एक और है यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर थे इसलिए मैं इसे बंद करता था, लेकिन अब ये बाहर रहने लगे हैं, ये बड़े हो गए हैं। तो अब मैं इसके लिए और जो सिराजी है उसके लिए ये वाला पेटी बंद करता हूँ। और ये पेटी भी आज मैंने साफ़ किया है और यहाँ पर जो फर्श है ये भी मैंने साफ़ किया है। और यहाँ पर देखे ये वाला जो बच्चा है शॉर्ट फेस का, इसका जो पैर है ये भी अब आने लगा है और जो कलर है आप देखें रेड कलर में लग रहा है। जो इसका फादर है उसके कलर में। और यहाँ पर सिराजी भी अंडे पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मादी अंडे पर बैठी हुई है ये देखें। और इनके पास अभी एक और अंडा है जो कि शॉर्ट फेस का है। इस बार शॉर्ट फेस ने एक ही अंडा दिया था, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, मैंने एक पेयर रोलर जो कबूतर होता है जो कि ज़मीन में पलटी मारते हैं वो वाला कबूतर एक पेयर लाया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। यहाँ पर आपको मेल नज़र आ जाएगा, ये वाला मेल है और जो फीमेल है वो भी मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर शायद आपको मादी नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पर मादी बैठी हुई है और यहाँ पर जो जगह है वो काफ़ी कम है और इसी जगह में जो मादी है रोलर वाला वो अंडा दे दी है और उस अंडे पर ये बैठी हुई है। और यहाँ पर ये देखें जो सिल्वर कलर में सिराजी है ये यहाँ पर दाना खाने लगा है। और यहाँ पर मेल जो है अभी बाहर निकला हुआ है ये देखें। तो इन्होंने जो ये मेरा पेटी है इसके पीछे जा कर के अंडा दे दिया है। और ये वाला जो मेरा वाइट वाला पेयर है इन्होंने अभी अंडा नहीं दिया है। इनका जो अंडा था वो मैंने यहाँ पर मुखी का पेयर रहता है उन्हें इनका अंडा दिया था, लेकिन बच्चा निकलने के बाद मुखी ने उस बच्चे को नहीं पाला सही से, जिसके कारण वो बच्चा मर गया। और अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ मेरा जो सिल्वर वाला पेयर है वो दिखलाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एक बच्चा निकाला है ये देखें। एक बच्चा निकाला है और एक अंडा ख़राब हो गया है। और यहाँ पर मेरा ये वाला जो पेयर है इनके पास दो बच्चे हैं, लेकिन ये इन दोनों को सही से फीड नहीं करवाते हैं इसलिए इनका ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ में जो मेल है ये देखे ये बाहर में घूमते फिरते रहता है और मादी भी ठीक से फीड नहीं करवाती है।
और यहाँ पर जो सिराजी का और छोटा चोंच का पेयर लगा था ये वाला, तो ये अब घोंसला बनाने लगे हैं। तो अब ये घोंसला बनाने लगे हैं और ये कुछ ही दिन में अंडा भी दे देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, जो देसी मादी है ये भी घोंसले में बैठने लगी है और मुझे लगता है कि इसने अभी अभी एक अंडा दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये देखिए, आपको शायद नज़र आया होगा, यहाँ पर देसी वाला जो मादी है इसने अभी अभी एक अंडा दिया है और आपको अंडा देख करके भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए, ये काफ़ी गुस्से में है। और मेरा एक पेयर यहाँ पर लखा आया हुआ है ब्लैक में और ब्राउन में। ये देखिए, मादी यहाँ पर बर्तन में बैठी हुई है और ये वाला जो है ये मेल है और ये ब्लैक वाला जो है ये फीमेल है। और यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर कैपेचिनो भी आया हुआ है, ये देखिए, वाइट कलर में। शुरू शुरू में जब मैंने इन्हें यहाँ पर रखा तो मेरा जो ये वाला रेड पर्पन वाला पेयर है ये इन्हें यहाँ पर रहने नहीं दे रहे थे, क्योंकि रेड पर्पन यहाँ भी ब्रीडिंग करते हैं और यहाँ भी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं एक पेयर को दो जगह जगह दूँ। मैं इन्हें यहाँ पर रखता हूँ और धीरे धीरे फिर ये यहाँ पर रहने लगे तो रेड पर्पन फिर यहाँ पर आना बंद कर दिए और ये अब यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर देखे, आज मैंने मिट्टी भी बनाया है, यहाँ पर मिट्टी ख़त्म हो गया था तो मिट्टी भी मैंने इन सबको दिया है। और जो दाना वाला बर्तन है, पानी वाला बर्तन है, इसे भी मैंने आज साफ़ किया है। और मेरा ये वाला जो पेयर है कासनी वाला, तो ये अब क्रॉसिंग करने लगे हैं और मेल जो है वो मादी को भगाने भी लगा है, कुछ ही दिन में अंडा दे देंगे तो मेरे पास कासनी का बच्चा भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।